नमस्कार फ्रेंड, मैं रंजीत रोजाना अपने YouTube ब्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं हूं रजरप्पा मंदिर के पार्किंग एरिया पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं ये पूरी बैकग्राउंड है, ये इतनी सारी बहुत जगह खाली जगह है। ये सारे यहां पर गाड़ी पार्किंग होती है। अब यहां पर गाड़ी पार्किंग करने के लिए आपको मिनिमम कुछ पैसे की भुगतान करनी होती है, यानी कि जिस प्रकार का गाड़ी होती है उसके अनुसार 10-20-30-40-50 रुपये आपको देना पड़ता है। तो ये रजरप्पा मंदिर का पार्किंग क्षेत्र है और इसके बगल पर आप जो देख रहे हैं, ये जो घर हैं, होटल्स हैं, ये सभी पिकनिक पैलेस हैं। यानी कि जो भी माँ छिन्नमस्तिके का दर्शन करने आते हैं और जो बकरे का बलि होता है, और किन्हीं व्यक्तियों को अगर इस स्थान पर खाना हो तो आप इन होटलों पर अपना खाना बनवा कर खा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा एक यानी कि चारों राउंड आपको चारों और पिकनिक पैलेस मिल जाएगा, और साथ ही साथ प्रसाद का दुकान भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका सारी सुविधा है, लेकिन इस क्षेत्र की ओर बस आपको एक ही सुविधा का थोड़ा कमी महसूस होगा, वो है शौचालय का। यहाँ पर शौचालय भी है लेकिन शौचालय अभी खुलता नहीं है, हाँ, इसके वजह से थोड़ी लोगों को दिक्कत होती है। रजरप्पा मंदिर पर एक यही मकसद है कि ऐसे कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं बनाए गए हैं, अगर जगह जगह पर बना दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और इसी के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है, लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है। तो अगर कहीं कहीं अगर सार्वजनिक शौचालय बना दी जाती है वो भी अच्छा खासा, और वहाँ ये कोई अगर मान लो अगर नहीं फ्री नहीं हो बट कुछ राशि अगर उसमें भी लगा दिया जाए तो लोगों को परेशानी नहीं होगी इधर उधर भटकने से, लोग आराम से वहाँ जाएंगे, साफ़ सुथरा कर्मचारी भी उसी पैसे से रख लिया जाएगा, तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी रजरप्पा मंदिर तो फ़िलहाल बंद रहती है, हाँ बंद ही है, तो लोग आते हैं तो मंदिर के गेट पर ही माथा टेक लेते हैं और फिर चले जाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भी रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका मंदिर पर आते हैं बकरे की बलि करने के लिए या फिर बलि चढ़ाने मंदिर में बकरे को छिन्नमस्तिके को भेंट करने के लिए, तो आपको अभी जब जो बकरे लेकर आएंगे वो मंदिर पर आपका संकल्प तो हो जाएगा लेकिन मंदिर पर बलि नहीं हो रहा है, जिसके वजह से आपको मंदिर प्रांगण में बलि करने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको बलि करने का स्थान अभी जहाँ पर है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि अभी आप कौन सा जगह पर आएंगे तो वहाँ पर बलि करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने पिछले ब्लॉग में भी ये वीडियो दिखाए हैं, आप देख सकते हैं कि वहाँ आपको जो पानी का जो धारा है जो बहुत चौड़ी नज़र आ रही है और बड़े बड़े पत्थर हैं वो सभी, वहाँ पर एक चेक डैम बना हुआ है, उसी के बगल पर बहुत साफ़ सफाई से चेक डैम बनाने के लिए फर्श बनाई गई थी, उसी स्थान पर अभी बलि होता है। आप देख सकते हैं वहाँ पर एक बाइक भी खड़ा है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर अभी, ये देख सकते हैं ये डैम है, इसी डैम के बगल पर अभी बलि होता है। तो आप अगर माँ छिन्नमस्तिके मंदिर पर आते हैं तो वहाँ पर संकल्प कर आप इस स्थान पर आकर बलि करवा सकते हैं, और लोग यहीं पर आकर बलि करवाते हैं। तो मैं अगर अभी कभी नेक्स्ट ब्लॉग पर मैं अपना वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सुबह के समय पर कौन सा जगह पर बलि होता है और लोग इधर कैसे आते हैं, वो सारी जानकारी मैं दूंगा। आप देख सकते हैं अभी भैरवी का जलस्तर भी थोड़ा बढ़ गया है, बढ़ने के कारण बहुत सारे लोग बहे भी हाल फिलहाल में, बहुत सारे हमको लगता है कि इस वर्ष 5 या 6 भैरवी जलाशय पर बह चुके हैं, जिसमें से एक को नहीं बचाया गया था, बाकी सभी को बचा लिया गया, और उसके साथ 2 मोटरसाइकिल भी बही थी लेकिन दोनों मोटरसाइकिल को निकाल ली गई थी, वो भी मैंने अपने वीडियो में डाला है। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि रजरप्पा से किसी भी तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं रजरप्पा मंदिर से रिलेटेड किसी भी तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो हमसे पूछते हैं मंदिर खुला है या नहीं खुला है, आने से ठीक होगा या नहीं होगा, तो उनको घर बैठे सारी जानकारी मिल जाती है कि वो क्या करे नहीं करे या फिर आए या नहीं आए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल पे बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा।